हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल ट्रैवल रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में कि क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, आप क्या ले जा सकते हैं, क्या नहीं ले जा सकते हैं, तो उस बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं क्या क्या इंक्लूडेड होने वाला है। तो सबसे पहला चीज़ जो है बैगेज साइज लिमिट, कैरी ऑन बैग और चेक्ड इन बैग दोनों के बारे में बात करेंगे हम। उसके अलावा डेंजरस गुड्स के बारे में बात करेंगे, स्मार्ट लगेजेस के बारे में बात करेंगे कि स्मार्ट लगेज आप ले जा सकते हैं या नहीं। उसके अलावा कंट्री वाइज जो भी रिस्ट्रिक्शंस है उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत लोग हो सकते हैं आप सिंगापुर होके जा रहे हों या बहुत लोग इंडिया होके ही दूसरे एयरपोर्ट होके जा रहे हों। और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हाउ टू पैक लिक्विड एंड नॉन सॉलिड फूड, इसके बारे में बात करने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न रहता है ट्रैवलिंग विद द सॉलिड फूड्स आइटम, जो भी अगर आप घर से स्नैक्स ले जाना चाहते हैं या जो भी फूड ले जाना चाहते हैं उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। और इसके अलावा मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स अलाउड इन कैनेडा फ्रॉम यूएसए एंड इंडिया बोथ। तो वो भी लिस्ट मैं आपको दिखाऊंगा, तो आप देख सकते हैं उसमें कि क्या ले जा सकते हैं आप, क्या नहीं ले जा सकते हैं फूड में। और एक सबसे बड़ा जो टॉपिक है मेकिंग डिक्लेरेशन, किनको डिक्लेयर करना पड़ता है और क्या चीज़ डिक्लेयर करना पड़ता है जब भी आप कैनेडा जा रहे हों ये US जा रहे हों, तो आपको क्या चीज़ डिक्लेयर करना पड़ेगा उसके बारे में बात करेंगे। और कैसे आप डिक्लेयर कर सकते हैं उस बारे में भी बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक ये भी है कि आप अगर अल्कोहल ले जाना चाह रहे हैं या सिगरेट ले जाना चाह रहे हैं, जो भी टोबैको ले जाना चाह रहे हैं, तो कितने अमाउंट में आप ले जा सकते हैं और कैसे ले जा सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं आज, तो आप पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखिए। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये सब जो है ऑफिशियल साइट पे आपको मिल जाएगा। तो अगर हम बात करें बैगेज साइज लिमिट के बारे में, तो कैरी ऑन बैगेज का साइज आप देख सकते हैं ये स्क्रीन पे 55x40x23 सेंटीमीटर, ये जो है आपका एयर इंडिया का कैरी ऑन बैगेज का पॉलिसी है। और अगर हम बात करें ये जो भी आपके लगेज के साइज आ रहे हैं वो इंक्लूडिंग आपके व्हील्स और इंक्लूडिंग हैंडल आ रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं चेकड इन बैगेज के बारे में, तो उनका भी आप देख सकते हैं 43x33x16 सेंटीमीटर है जो कि साइज है, ये एक्सीड नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा आप जैकेट, अम्ब्रेला, ड्यूटी फ्री आइटम्स, ये सब चीज़ आप ले जा सकते हैं एज ए कैरी ऑन, वो इंक्लूडेड नहीं होता है। और अगर हम बात करें एग्जाम्पल ऑफ डेंजरस गुड्स या प्रोहिबिटेड आइटम्स क्या क्या हैं, तो बहुत कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो आप चेक्ड इन बैग में नहीं ले जा सकते हैं, तो उस बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे ड्रोन है, कैमरा है, लैपटॉप है, कुछ आइटम्स जो हैं ये आप चेक्ड इन बैग में भी ले जा सकते हैं, पर उनके कुछ रूल्स हैं कि आपको बैटरी निकालना पड़ता है तभी आप ले जा सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी गैस, ऑक्सीजन बॉटल्स, पेस्टिसाइड्स, पेंट कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं, ये आप ना ही चेक इन बैग में ले जा सकते हैं ना ही कैरी ऑन बैगेज में ले जा सकते हैं। और अगर हम बात करें वेपन्स की जैसे या टूल्स की जैसे सीजर, नाइफ, ये सब आप चेक्ड इन बैग में ले जा सकते हैं और कैरी ऑन में नहीं ले जा सकते हैं। जो भी ऐसा मटेरियल है जो कि दूसरों को हार्म कर सकता है वो आप नहीं ले जा सकते हैं। और इसके अलावा आप ये पॉज करके खुद भी देख सकते हैं जो भी इनके रूल्स हैं, आप देख सकते हैं ये जापान एयरलाइन का है। अगर हम बात करें स्मार्ट बैगेज का, स्मार्ट लगेज का भी सेम सीन है कि अगर आपका स्मार्ट लगेज है आप उसका बैटरी निकाल नहीं सकते हैं तो आप वो ले नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए आप जब भी स्मार्ट लगेज ले रहे हो उसका ऑप्शन होना चाहिए कि आप बैटरी उसका रिमूव कर सकें, तभी आप कैरी कर सकते हैं उसको इजीली। और इन बैटरीज़ के भी लिमिट होते हैं, तो वो आप हमेशा ध्यान रखें। और जिस भी एयरलाइन से जा रहे हैं एक बार आप डबल चेक जरूर कर लें एयरलाइन के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके। अगर हम बात करते हैं कंट्री वाइज रेस्ट्रिक्शन के बारे में, तो वैंकूवर का आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आपके पास लार्ज पाउडर लाइक सब्सटेंस है 350 ml से ज़्यादा तो कैरी ऑन में आप नहीं ले जा सकते हैं, उसको चेक इन में ही ले जा सकते हैं बस। और अगर हम बात करें ब्रास नकल का या कोई भी ब्लेड्स, स्पाइक फिंगर रिंग्स, ये सब आप नहीं अलाउ नहीं है, ना ही आप कैरी ऑन में ले जा सकते हैं ना ही आप चेक इन लगेज में ले जा सकते हैं। ये वैंकूवर का रूल्स है, हर जगह डिफरेंट होता है रूल। अगर सिंगापुर की बात करें तो आप ई सिगरेट ना ही कैरी ऑन में ले जा सकते हैं ना ही चेक इन बैग में ले जा सकते हैं। और ऑल इंडिया की अगर बात करते हैं तो वहाँ भी आपको ई सिगरेट अलाउड नहीं है, और मैचेस और लाइटर तक वहाँ पर अलाउड नहीं है
अगर आप बात करें स्पाइसेस सच एस चिली पाउडर, वो आप चेक्ड इन बैग में ले जा सकते हैं पर कैरी ऑन में नहीं ले जा सकते हैं। और कोकोनट जो है, कोकोनट ड्राई कोकोनट, वो कोई भी एयरलाइंस में अलाउड नहीं होता है मोस्ट ऑफ़ द केसेस में। मैंने जहाँ तक देखा है वो मोस्ट ऑफ़ द एयरलाइन में अलाउड नहीं रहते, ना ही चेक इन बैगेज में ना ही कैरी ऑन बैगेज में। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ जो है ये है कि मैकबुक प्रो 15 जो है पहले सोल्ड हुआ था, जो भी 2015 से फेबररी 2017 के बीच में, विथ बैटरी आप नहीं ले जा सकते हैं, ना ही कैरी ऑन बैगेज में ना ही चेकड इन बैगेज में, क्योंकि उनके बैटरीज में कुछ प्रॉब्लम आई थी जिस वजह से उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है इन मैकबुक को ले जाना फ्लाइट पे। और अगर हम बात करें बैंकॉक एयरपोर्ट की, बहुत सारी लेओवर जो है बैंकॉक होके भी जाती है, तो वहाँ भी ई सिगरेट जो है आपको अलाउड नहीं है। तो मोस्ट ऑफ़ द एयरलाइन में आपको ई सिगरेट अलाउड नहीं रहते हैं। और अगर हम बात करें हाउ टू पैक योर लिक्विड एंड नॉन सॉलिड फूड आइटम, तो आप कैरी ऑन बैगेज में जो है 100 ml से ज़्यादा कोई भी चीज़ नहीं ले जा सकते हैं। और पूरा रूल्स आप ये खुद भी पढ़ सकते हैं आप पॉज करके, बिकॉज ऑफ प्रेशर चेंज वहाँ पे लीकेज के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसलिए जब भी आप अपना कोई भी लिक्विड आइटम पैक कर रहे हो ना, वो आपका शैम्पू हो, ऑयल हो या कुछ भी हो, उसको आप अच्छे से सील्ड बैग में पैक करें और तभी लेकर जाएं। और जो भी कंटेनर आपका 100 ml से ज़्यादा है वो हमेशा आप चेकड इन बैगेज में ही रखें, वरना आपको सिक्योरिटी अलाउ नहीं करेंगे ले जाने के लिए। यहाँ तक कि अगर आपका पानी भी क्यों ना हो, वो भी आपको अलाउ नहीं करेंगे सिक्योरिटी ले जाने। और अगर हम बात करते हैं ट्रैवलिंग विद द सॉलिड फूड आइटम, तो या आप पूरे रूल्स एक बार पढ़ सकते हैं खुद से भी। मैं आपको बेसिक चीज़ बता देता हूँ कि जो भी आप चीज़ ले जा सकते हैं प्लेन में, उसमें है ग्रेनोला बार्स, क्रैकर्स, ब्रेड, हार्ड कैंडीज, चिप, कुकीज़, चॉकलेट बार्स, नट्स, ये सब ले जा सकते हैं जो कि पैक्ड आइटम में है। और नॉन पैक्ड आइटम अगर बात करें तो फ्रेश फ्रूट्स, एप्पल, बनाना, ऑरेंजेस हो गया, या कोई भी फूड हो गया आप खाना ले जा रहे हैं अपना, चीज़ स्लाइस हो गया या वेजिटेबल्स, मफिन, सैंडविच हो गए, ये आप ले। पर हमेशा याद रखें कि ये आपका लिक्विड फॉर्म में नहीं होना चाहिए। हम आगे चल के डिस्कस भी करने वाले हैं हर एक आइटम के बारे में जो आप ले जा सकते हैं और जो नहीं ले जा सकते। और अगर हम बात करें फूड प्रोडक्ट अलाउड जो भी है आपका यूएस से, उसका लिस्ट आप यहाँ देख सकते हैं। मैं आपके साथ इंडिया का लिस्ट जो है उसके बारे में बेसिक जो भी चीज़ें हैं वो डिस्कस कर दूंगा। और अगर आपको यूएस का लिस्ट देखना है तो वो आप देख सकते हैं पॉज करके, कि अगर आप यूएस से आ रहे हैं तो क्या क्या आइटम्स अलाउड नहीं है और क्या आइटम अलाउड हैं। मैं बेसिक चीज़ों के बारे में बात करूंगा जो हम नॉर्मली लेके जा सकते हैं। आप कोई भी ऐसे पेस्ट्रीज़, ब्रेड्स नहीं ले जा सकते हैं जो कि मीट आइटम कंटेन करता हो। और डेयरी प्रोडक्ट में आप बस चीज़, आइसक्रीम और योगर्ट ले जा सकते हैं। और अगर आपको देखना है पूरा वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं हर चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, आप पॉज करके देख सकते हैं, मैं बस बेसिक बता रहा हूँ। अगर हम बात करें फ्रेश फ्रूट्स या वेजिटेबल के बारे में, तो वो भी प्रोडक्ट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो। ग्रेन डिराइव्ड फूड जो है उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, हनी में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ड्राई मिल्क बेस्ड, लिक्विड मिल्क बेस्ड आप इन्फेंट के लिए अगर ले जा रहे हैं तो सील्ड होना चाहिए। और कोई भी फूड आइटम जो कि इंस्टेंट फ्रोजन है वो भी आप नहीं ले जा सकते हैं। स्पाइसेस, टी या कॉफ़ी है वो भी आप ले जा सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं डिक्लेरेशन का, तो आपको डिक्लेयर क्या करना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा है प्लांट, एनिमल या फूड आप कुछ भी लेके जा रहे हैं कनाडा, तो आप हमेशा से उसे डिक्लेयर करें। और अगर हम बात करते हैं कि डिक्लेयर कैसे करते हैं, ये आगे चलकर हम वीडियो में भी देखने वाले हैं कि कैसे आप डिक्लेयर कर सकते हैं। आप दो मेथड से डिक्लेयर कर सकते हैं, एक तो आप घर बैठे ऑनलाइन डिक्लेयर कर सकते हैं, और दूसरा मेथड ये है कि आप वहाँ पर जाकर कियोस्क से डिक्लेयर कर सकते हैं। तो वैंकूवर एयरपोर्ट है, टोरंटो है, मॉन्ट्रियल है, विनीपैग है, हैलिफैक्स, क्यूबेक, कैलगरी, ओटावा, एडमंटन एंड टोरंटो सिटी, ये इन सारे ही एयरपोर्ट में आपको कियोस्क मिल जाएगा जहाँ पे आप डिक्लेरेशन कर सकते हैं। और अगर आप कभी भी पैसे ले जा रहे हैं जो कि मोर देन 10,000 Canadian dollars है, तो वो आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। मैं हमेशा से सजेस्ट करूँगा कि आप फॉरेक्स कार्ड यूज़ करें और थोड़ा कैश रखें। अकाउंट कैसे बना सकते हैं ये देख सकते हैं प्रोसेस आप। ट्रैवलिंग विथ एल्कोहल एंड टोबैको, इनके रूल्स के बारे में हम जान लेते हैं कि अगर आप जब भी कनाडा जा रहे हैं तो उनकी लिमिटेशन ये है कि आप एल्कोहल, वाइन की बात करें तो वो आप 1.5 लीटर ले जा सकते हैं, लिकर की बात करें तो 1.4 लीटर आप ले जा सकते हैं,
और सिगरेट्स की बात करें तो आप 200 स्टिक्स ले जा सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं ले जा सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा आप ले जाते हैं तो वो आपका सीज कर लेंगे वहाँ पे। और बियर में 8.5 लीटर बियर आप ले जा सकते हैं। और उसके अलावा ये एक डिटेल्ड लिस्ट है जो कि आप देख सकते हैं, इसमें आपको पता चल जाएगा क्या क्या आप कैरी ऑन बैग में ले जा सकते हैं और क्या क्या चेक्ड बैग में ले जा सकते हैं, चेक्ड इन बैग में। तो ये आप देख सकते हैं और पॉज कर सकते हैं आप पूरा डिटेल में जानने के लिए। और इसके अलावा भी अगर, और यहाँ आपको सारा ही डिटेल मिल जाएगा, जैसे कि मेडिसिन हो गया और कोई भी छोटे छोटे सामान, वो आप मेडिसिन आप प्रिस्क्रिप्शन के साथ हमेशा कैरी कर सकते हैं चेक्ड इन बैग में, और उसके अलावा कैरी ऑन में भी आप कर सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ ले जाना वो चाहते हैं। बस आप अपने पास प्रिस्क्रिप्शन रखें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और बहुत ही जल्द मैं मेडिसिन और प्रिस्क्रिप्शन से रिलेटेड भी वीडियो बनाने वाला हूँ कि क्या क्या मेडिसिन आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं और आपको प्रिस्क्रिप्शन कैसे बनवाना है। बाकी उसके अलावा अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं किसी चीज़ के बारे में अगर आपको जानना हो, और मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा जितना जल्दी हो सके। और अभी आगे भी आने वाला है वीडियो, जैसे कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यूज़फुल हैं कनाडा जाने के लिए ले जाना चाहिए, और पैकिंग के रिलेटेड सब कुछ लेटेस्ट वीडियो अभी मैं बनाने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।